अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर बुशरा अब्रार, BMS MD इल्मुल अदविया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अदविया मुफ़िदा हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं प्लांट ओरिजिन ड्रग्स अदविया नबातिया के बारे में। इसी में आज हम पढ़ते हैं जोज़ मासिल को। जोज़ मासिल क्या होता है? जोज़ मासिल को, जिसको हम कॉमनली हम धतूरा के नाम से इसको जानते हैं, इसका जो बॉटनिकल नेम है ये है धतूरा स्ट्रेमोनियम। जोज़ मासिल के कई मुतरादिफ नाम है, जैसे धतूरा इसे कहते हैं और इंग्लिश में इसको थॉर्न एप्पल भी कहा जाता है, यानी कांटेदार एप्पल। इसकी वजह यह है कि इसका जो फल निकलता है वो बहुत कांटेदार होता है, उसके चारों तरफ कांटे लगे होते हैं, गोल होता है वो, इसीलिए इसको थॉर्न एप्पल भी कहा जाता है। आइए इसकी माहियत भी जान लेते हैं। जोज़ मासिल का आप लोग पौधा देख रहे हैं, इसका जो पौधा होता है ये बहुत ऊंचा नहीं होता, बस ये 1 से 2 मीटर तक ही इसका पौधा ऊंचा होता है और दुनिया के सभी इलाकों में ये पाया जाता है। कोई इसकी ख़ास जगह नहीं कि ये वहीं पाया जाएगा, हिंदुस्तान में भी ये कसरत से देखने में मिलता है और ये हर जगह आपको कॉमनली देखने में मिल जाएगा, ये हर जगह पाया जाता है। इसके फूल आप लोग देखिए, इसके फूल होते हैं सफ़ेद रंग के, इसके फूल होते हैं और सुर्ख रंग के भी हो सकते हैं इसके फूल, और बेल शेप के होते हैं ये, बड़े बड़े इसके फूल होते हैं। इसका जो फल होता है, जैसा कि आप देखिए तस्वीर में, इसका जो फल है ये गोल होता है, इसका जो 3 सेंटीमीटर का लगभग इसका साइज़ होता है फल का, और ये सब्ज़ रंग का यानी ग्रीन कलर का इसका फल होता है, और क्या होता है इसके चारों तरफ कांटे लगे होते हैं, इसीलिए इसी कांटों की वजह से ही इसका जो दूसरा मुतरादिफ नाम पड़ा है थॉर्न एप्पल, वो इसी कांटों की वजह से, इसके फल के कांटों की वजह से इसको थॉर्न एप्पल भी कहा जाता है। इसका फल जब पक जाता है, जब सूख जाता है इसका फल, आप नीचे तस्वीर में देख सकते हैं इसके, जब इसका फल सूख जाता है तो ये फट जाता है अपने आप ही, और ये जब फट जाता है तो इसके अंदर से तुख्म निकलते हैं। जैसा कि देखिए इसमें जो तुख्म होते हैं ये 4 से 5 mm के तकरीबन इसके चपटे तुख्म होते हैं, और धतूरा 2 किस्म का पाया जाता है। एक तो होता है जिसके अंदर स्याह रंग के तुख्म होते हैं, जैसा कि इस तस्वीर में आपको इसके अंदर दिख रहे हैं स्याह रंग के तुख्म, और एक दूसरी इसकी वैरायटी होती है जिसमें सफ़ेद रंग के इसमें तुख्म पाए जाते हैं। आप जैसे तस्वीर में देखिए, इसको सफ़ेद तो हम नहीं कहेंगे, ये कुछ ब्राउनिश कलर का है, लेकिन ये स्याह की बनिस्बत अगर हम देखें तो इसको हम सफ़ेद कहते हैं। सफ़ेद और स्याह 2 किस्म का होता है, और इसके फल पत्ते तुख्म ये तीनों चीज़ें ही हम दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसका पौधा हिंदुस्तान के हर मुकामात पर खुदरों के तौर पर पाया जाता है, यानी कि इसको बोया नहीं जाता बल्कि ये अपने आप ही पैदा हो जाता है, इतनी इसकी पैदावार होती है खुदरों के तौर पे। ये आपको कहीं भी रोड साइड में देखने को मिल जाएगा अक्सर। मिजाज इसका सर्द खुश्क होता है, और ये 4थे दर्जे में सर्द खुश्क है, इसलिए हमें इसकी मकदार ख़ुराक को बहुत एहतियात के साथ मरीज़ को इस्तेमाल कराना होता है। इसमें एक्शंस होते हैं कि ये मुस्किन अलम है, यानी ये हमारे दर्द को भुला देता है, एक तरह से तस्किन देता है, और मुकद्दर है यानी कि सेडेटिव एक तरह से काम करता है, एनास्थेटिक है, ये पेन के सेंसेशन को ख़त्म कर देता है। दाफ़ तशन्नुज, ये कहीं स्पाज्म हो रहा है, स्पास्मोडिक पेन है तो उसको ये दूर करता है, और ये मुहल्लिले औरा में, कहीं वर्मी कैफियत है, कहीं हमारे बॉडी के किसी पार्ट में वर्म हो गया है तो वहाँ पर क्या करते हैं, इसका हम पेस्ट बना के इसके पेस्ट को अप्लाई करते हैं, तो ये वहाँ पर दर्द को भी दूर करता है और वहाँ जो वर्मी कैफियत है उस वर्म को भी ये दूर करता है। और इसका एक एक्शन ममसिक के मनी है, यानी कि डिले द इजैकुलेशन पीरियड। यूज़ हम कर सकते हैं इसको जनरली कहीं भी, अगर बॉडी में आपके पेन है तो हर जगह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर में दर्द है, चाहे वजन मुफासिल है, अर्थराइटिस है, किसी के जोड़ों में तकलीफ है, जोड़ों में दर्द है, दर्द है से डिसमेनोरिया का दर्द है किसी को, और अरफुनसा जैशियाटिका का दर्द है, इन सभी दर्दों में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। चाहे बवासीरी पेनफुल पाइल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, उसके दर्द में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
असभी दर्द, न्यूरालजिक पेन जो कि सीवियर पेन की कैटेगरी में आता है, इसमें भी हम इसको धतरा का इस्तेमाल करा सकते हैं। यानी कहीं भी बहुत सीवियर कंडीशन में अगर पेन हो रहा है, मरीज़ को पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो हम उसमें धतूरा का इस्तेमाल करा सकते हैं। हम इसको इंटरनली भी मरीज़ को दे सकते हैं, लेकिन मकदार खुराक हमें बहुत ध्यान से देनी होती है इसकी, और हम एक्सटर्नली भी इसका पेस्ट बना के अप्लाई करा सकते हैं जिस मुकाम पर जहाँ भी दर्द मौजूद है। मकदार खुराक आप देखिए इसकी 500 मिलीग्राम से सिर्फ 1 ग्राम तक की मकदार में ही हमें इसको देना है मरीज़ को। और इसके अंदर कुछ ख़ास कीमियावी अर्सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट पाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इसके अल्कलॉइड हैं, इसकी बहुत ज़्यादा इस पर स्टडी हुई है, बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। इसको बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। इसको पोलामीन, हायोसियामीन, हायोसिन, एट्रोपिन, बहुत जगह इसको एलोपैथिक मेडिसिन में इसके अल्कलॉइड को, डेरिवेटिव को इसके अलग कर लिया गया है, और फिर इनसे बहुत सारी दवाएं बनाई जाती हैं, आई ड्रॉप्स वगैरह बनाई जाती हैं। बहुत सारी जगह एट्रोपिन, इसको पोलामीन, खांसी के सिरप वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। मुज़र असर ये होता है कि इससे इसके जो अल्कलॉइड हैं, इसका एक मुज़र असर ये है कि इसमें जुनून और हिजियान पैदा करने की कैफियत हो सकती है मरीज़ को। मरीज़ जुनून में जा सकता है, यानी कि अचानक से हिजियान, बहकी बहकी बातें कर रहा है, बेवकूफ़ी वाली बातें करने लगा अचानक, एकदम हाइपर एक्टिव हो गया, एग्रेसिव हो रहा है अचानक, इस तरह की कैफियत हो सकती है मरीज़ को। इसका एक एडवर्स इफ़ेक्ट है। इसके मसले के तौर पे इसके एडवर्स इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम उसके साथ में फिलफिल स्याह का इस्तेमाल, यानी काली मिर्च का इस्तेमाल हम कराते हैं। मशहूर मुरक्कब है इसका हब्बे शिफा, शिफा कहा जाता है, यानी इलाज से किसी को फ़ायदा पहुंचाना, शिफा मिलना किसी को। तो क्योंकि इसका इफ़ेक्ट इतना अच्छा है कि मरीज दर्द से तड़प रहा है, अब उसको दर्द को तस्कीन दे रहे हैं, तो इसी के नाम से इसका बहुत सारी बीमारियों में ये शिफा पहुंचाता है, फ़ायदा पहुंचाता है, इसीलिए इससे टैबलेट बनाई जाती है, उसका नाम ही हब्बे शिफा रख दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।